अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 5 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली इसकी एक्सरसाइज है यूनिट 3 की, जिसके अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने करवाने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 3 का, वो है वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। मतलब जो नोबल गैसेज हैं वो रिएक्टिव क्यों नहीं होती, वो क्यों रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आप आंसर आप लिखेंगे, देखिए हमारे पास जो नोबल गैसेज होती है ना, वो क्यों रिएक्टिव नहीं होती, उसकी कुछ रीज़न होती हैं। ठीक है, उसमें से जो रीज़न, मेन जो रीज़न है वो ये होती है कि इनका जो वैलेंस शेल होता है, जो आखिरी शेल होता है इनका, वो उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। जब वो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ठीक है, जब उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगी, किसी और के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं करेगी। तो ये इसकी जो है वो मेन रीज़न होती है नोबल गैसेज की, कि ये रिएक्टिव नहीं होती। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड दे डोंट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वेकेंट शेल टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। उनका जो आखिरी शेल होता है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल, उनका जो आखिरी शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं वो पूरे होते हैं। ठीक है, या 2, 8 जितने भी होते हैं, ठीक है, वो पूरे होते हैं, उनमें जो वेकेंट स्पेस है वो नहीं होती। इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और एलिमेंट से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो नॉट रिएक्टिव होती हैं। बड़ा इसका सिंपल सा और इजी सा इसका जो है वो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो पूछ रहे हैं वाई सीजियम एटॉमिक नंबर उसने दे दिया 55 रिक्वायर्स लिटल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। अब वो कह रहे हैं सीजियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 55, वो कह रहा है इसमें लिटल रिक्वायर्स लिटल एनर्जी, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सीजियम के। ठीक है, उस एक ही जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटरमोस्ट शेल के अंदर से हमको बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, क्यों? तो इसका आंसर देखिए आप लोग, जो है आंसर में आप लिखेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना होता है, ठीक है, उसके शेल में से, आउटरमोस्ट शेल में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना होता है, तो हमको जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ये देखें हमारे पास ये है सीजियम, इसका है एटॉमिक नंबर 55, इसका पहला शेल देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में देखें तो 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, और फिर 8 है, और फिर आखिरी में 1 है। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारे पास है ना, ये इसमें देखें, अभी लास्ट वाला जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके और जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, इसको हमने रिमूव करना है, ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला इसको रिमूव करना है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इस न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो क्या है, वो बहुत कम है। वो क्यों कम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये होता है नेगेटिव चार्ज, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, न्यूक्लियस इस सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस से। पहला पॉइंट इसका जो है वो ये हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा कि इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे ज़्यादा होगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, लास्ट वाले ने जिसने रिमूव होना है, और बाकी के ऊपर भी नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इसको अपने से दूर जो है वो पुश करेंगे, अपने से दूर इनको फेंकेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि ये इसको मजीद न्यूक्लियस से दूर इनको जो है वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इनका चार्ज जो है इससे ज़्यादा होगा, इनका ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियस से दूर इसको जो है वो पुश करेंगे, और इसको क्या होगा, इसलिए एनर्जी जो है बहुत थोड़ी सी चाहिए होगी, हमको बहुत थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, एक तो इसका न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम है, दूसरा ये जो अंदर बैठे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ये भी इटसेल्फ इसको निकालने में जो है वो हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि इनका भी जो है सेम चार्ज है इसके साथ, तो इसको क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, अपने से दूर फेंकेंगे इसको, तो इसलिए इसको जो है ना वो हमको बहुत कम एनर्जी जो है वो चाहिए होती है इसको रिलीज़ करने के लिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सीजियम रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिलीज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज, अब ये दोनों पॉइंट्स जो है ना आपने अपनी स्टेटमेंट के अंदर लिखने हैं,
पहले आप लिखेंगे इट हैज ग्रेटर एटॉमिक साइज, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन इट्स न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल्स, मोर शील्डिंग इफेक्ट विच क्रिएट्स लेस रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिलीज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने दो चीजें लिखनी है, एक तो आपने लिखना है कि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ठीक है वो ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर एटॉमिक साइज, सीजियम का जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर होता है। ग्रेटर होने का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का और आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जिसका क्या मतलब होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस की कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो भी कम है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको जो है वो बड़ी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो आपने ये दो स्टेटमेंट ऐसी जो है वो लिख देनी है, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बस आपने ये और जो है ना ये यहाँ तक जो है वो लिख देना है, एंड तक जो है वो, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ इज पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने जो है वो आपसे पूछा है। इसके आंसर में आप लिखेंगे, सबसे पहले देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना किसी भी एटम के अंदर जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो अभी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे जो एलिमेंट है वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किए गए हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्यों प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ही जो है अरेंज किया गया, जैसे जैसे पीरियोडिकली उनकी जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं मैच कर रही होती हैं, हम उनको क्या कर रहे होते हैं आफ्टर रिपीटिंग उनको जो है वो आफ्टर इंटरवल हम उनको क्या कर होते हैं रिपीट करके लिख ले होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। तो सेकंड इसमें पैराग्राफ लिखेंगे व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग, जब हम क्या करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं इस तरीके से जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा हम उनको नेक्स्ट लिखते जाते हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आफ्टर कुछ इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी जिनकी सिमिलर होती हैं वो रिपीट होकर आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही ग्रुप वाले जो होते हैं ना उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती है, जिसका मतलब है कि इधर से क्या मालूम होता है हमको, विच शोज़ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि हम उसके हिसाब से इसको अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम उसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं तो वो पीरियडिसिटी उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपने ऐसे लिखनी है, पहले आपने उसको बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ठीक है उसके अंदर हम जो है पीरियड के अंदर एक एक जैसे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था हम उनको अरेंज करते हैं। फिर आपने बताना है कि जब हम इनको इंक्रीज करते हैं इनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जो एलिमेंट्स अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं वो आफ्टर कुछ इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो एक ही जगह में नीचे नीचे आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसका क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो आपने ये दो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटाइन्स फॉर्मेशन इजी। ठीक है, वो कह रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है उससे जो कैटाइन जो हमारी है ना फॉर्मेशन वो इजी क्यों होती है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, देखिए हमारे पास सबसे पहले देख लें आप हमारे पास ये सीजियम में मैं ले लेता हूँ कैटाइन जो है फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सीजियम में देखें ये वाला आउटर मोस्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, लूजली इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसको हम क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, जब इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बन जाएगा। एक अनाइंस होते हैं एक जो होते हैं वो कटाइंस होते हैं। कटाइन फॉर्मेशन का मतलब होता है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होना है लूजली, जो लूज इलेक्ट्रॉन होना है वैलेंस शेल के अंदर उसको निकालना, जब उसको निकाल देंगे तो हमारे जो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कटाइन फॉर्मेशन। तो वो यही कह रहा है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ठीक है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कटाइन फॉर्मेशन ईजी क्यों हो जाती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ईजी होगा इसको निकालना, क्योंकि इनका ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेंगे अपने से दूर मतलब निकालेंगे बाहर निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ये होंगे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इसको क्या करेगा ज़्यादा जोर से ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस से दूर जो है वो पुश कर देगा और उसको निकालना इजी होगा, यही वो आपसे जो है वो पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कटाइन फॉर्मेशन इजी बिकॉज न्यूक्लियर
इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजिली बाई अपलाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म कटाइन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियस की, मतलब ये न्यूक्लियस है ना, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जो है होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होते जाएंगे, इस न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये जो आखिरी होगा हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो इसकी फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दरमियान में मौजूद होंगे। तो मोर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि इसकी जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर वो कम हो जाएगी, ये इजिली यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यही दो स्टेटमेंट आपने जो है वो ऐसे लिखनी है। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बड़ा आसान सा इसका आंसर है, जिसके आंसर में आप लिखेंगे जो हमारे पास मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था ना, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस। ठीक है, जैसे जैसे उनके एटॉमिक मैस के जो उनकी प्रॉपर्टीज थी सिमिलर आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो अरेंज किया हुआ था। लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक नंबर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स हमने उनको अरेंज किया है। मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ के अंदर हमने उनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेस जो है वो अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने बस दो चीज़ें जो है वो पहला इसके अंदर डिफरेंस ये लिखना है कि मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स थी वो क्या थी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। ठीक है, मतलब वो पीरियोडिक्टिवली जो है ना पीरियडिकली जो है वो फंक्शन जो था एटॉमिक मास जैसे जैसे उनका इंक्रीज हो रहा था उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी इस हिसाब से सिमिलर वो आ रही थी बाद में एक इंटरवल के बाद। इस तरह जो है हमारे एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक लॉ के अंदर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसके अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको हमने अरेंज किया था। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड था एटॉमिक मैसेज के ऊपर और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड था एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। सेम वही चीज़ है, नीचे वाली ऊपर एक ही चीज़ है, ऊपर सिर्फ हमने बताया कि एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक फंक्शन थे ऑफ देयर एटॉमिक मैस और नीचे हमने बता दिया कि वो हमने बेस किया एटॉमिक मैसेज के ऊपर, वैसे एक ही चीज़ है ये, लेकिन आपने दो पॉइंट लिखने अगर बनाने हैं तो दो पॉइंट बना लें। तीसरी चीज़ है एटॉमिक मैसेज आर लेस फंडामेंटल हैंस देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, लेकिन जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं हमारे वो मोर फंडामेंटल्स होते हैं इसलिए उनके अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं होता। हमारे जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना वो लेस फंडामेंटल्स होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो इन तीनों में से आप दो जो है वो लिख दें, ठीक है, कोई से भी दो लिख दें आप, ठीक है, तो तीनों में से दो लिख दें क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा तो आंसर नहीं होता, जो भी आपको ईजी लगते हैं दोनों में से तीनों में से दो लिख दें। इसके बाद नंबर 6 पे चले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। बड़ा आसान है, ठीक है, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, देर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज आती है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, वो हमारे पास क्या होती है, पीरियड्स कहते हैं, और हमारे पास 7 पीरियड्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। वाइल वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे जो हमारे पास कॉलम बने हुए हैं ना पीरियडिक टेबल में उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और हमारे पास जो है वो 18 ग्रुप्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियड, मतलब फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, व्हाई एंड हाउ, क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं फोर्थ पीरियड में। तो उसके आंसर में आप बड़े सिंपल से आप लिखेंगे, सबसे पहले देखें जो फोर्थ पीरियड है उसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग पीरियड और उसके अंदर 18 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं, फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। फिर देखें इनको फोर्थ पीरियड में क्यों अरेंज किया गया, वाई, सबसे पहले वाई का आपने आंसर देना है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं ना सब के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, इसलिए उनको हमने क्या किया हुआ है फोर्थ पीरियड के अंदर, हमने वाई का आंसर आ गया कि बिकॉज दे ऑल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और हाउ बाई इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वाई का आंसर है इसका बिकॉज दे हैव 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और जो है हाउ में आप लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसके जो है वो ये दो बड़ा सिंपल से जो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो पूछ रहे हैं व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर जो साइज ऑफ एटम है मतलब एटॉमिक साइज है वो रेगुलरली जो है वो डिक्रीज क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर देखिए आप लिखेंगे, आंसर में आप लोग लिखेंगे द एटॉमिक साइज डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड ड्यू टू, उसकी रीजन क्या होती है, हमारे पास देखें हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका जो है वो रेगुलरली जो है वो डिक्रीज नहीं होता। अब उसकी दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही होती हैं, डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो रहा होता है उसका जो
साइज़ है ना वो बड़ा हो रहा होता है, लेकिन उसके साइज़ बड़ा होने के साथ साथ उसके अंदर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक साइज़ बड़ा होता है, दूसरा जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट भी इसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है रेगुलरली जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता। अब देखिए ज़्यादा नंबर जो है उसका डी ऑर्बिटल उसके अंदर ऐड होंगे मेटल्स के अंदर, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा पावर से जो है वो न्यूक्लियस जो है उनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज जो है वो प्लस प्लस और माइनस जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो वो फोर्स से अपनी तरफ खींच के उसको क्या करेगा डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो ज़्यादा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेंगे एक दूसरे को अपने से दूर फेंकेंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक तो वो अपने आप को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स दो काम कर रहे होते हैं, एक वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं अपने आप को, और दूसरा वो क्योंकि उनके ऊपर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव होता है, सेकंड वाले के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव होता है। अब फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले को अपने करीब करेगा या अपने से दूर करेगा, अपने से दूर करेगा। ठीक है, तो ये कश्मकश उनके दरमियान में जो है वो चल रही होती है, वो एक तो अपने आप को न्यूक्लियस के करीब भी कर रहे होते हैं, दूसरा वो अपने आप को न्यूक्लियस से दूर भी कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से करीब क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूर कैसे कर रहे होते हैं, दूसरा जो ऑर्बिट होता है ना जो न्यूक्लियस के करीब होता है, वो जो अपने से दूर ऑर्बिट होता है उसको न्यूक्लियस से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों आपस में अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो इसलिए आप लिखेंगे द एटॉमिक साइज डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो येलो वाली, उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ना SPDF, तो डी ऑर्बिटल्स आने की वजह से उनके अंदर क्या हो जाता है मोर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना उसको कम होने देते हैं ना उसको रेगुलरली जो है वो डिक्रीज होने देते हैं ना रेगुलरली इंक्रीज हो, मतलब उसको एक खिचड़ी सी उन्होंने बनाई हुई होती है। ठीक है, तो ये इसके जो है बेसिकली एक पॉइंट जो है आप इसके अंदर जो है वो आपने इसी तरीके जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहे हैं गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड वो है क्या। तो सबसे पहले देखें इसका आंसर में, ये देखें ये आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो नहीं किसी भी नहीं, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए, आखिरी शैल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए हमको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि ट्रेंड क्या है इसका पीरियड के अंदर, तो देखिए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियड के अंदर वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम जैसे जैसे जाएंगे वो इंक्रीज होती है। उसकी रीज़न क्या है, वो इंक्रीज क्यों हो जाती है, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। अभी पिछला क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर कर लें, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने न्यूक्लियस की तरफ, इसका मतलब होगा कि वो रेगुलरली क्या होगा डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली डिक्रीज नहीं होता क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से वो शील्डिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस से दूर भी एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसके अंदर ये पॉइंट है। तो वैसे इसका ट्रेंड देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखें तो वो थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा होता है इंक्रीज हो रहा होता है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है लेफ्ट टू राइट जाएँ तो इंक्रीज हो रही होती है। बस आपने इसके यही आंसर में लिखना है। तो आगे देखें, लेस एटॉमिक रेडियस मींस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेस एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो उसका मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिलीज करने के लिए। जितना न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा उतनी आपको कम एनर्जी आप इजीली उसको रिमूव कर लेंगे, लेकिन जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑफकोर्स आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए। तो इस तरह जो आपका पीरियड के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।